डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड इंग्लिश एग्जाम में 2009 से लेकर 2019 तक फाइनल एग्जाम में जितना भी प्रीपोजिशंस के ऊपर क्वेश्चन हुआ है उस क्वेश्चंस को लेके। और इसके लिए मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। आज फर्स्ट पार्ट है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस है उसके बारे में जानेंगे। और याद रखो, प्रीपोजिशंस का ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कुछ रूल्स बनाया जाता है। और ऐसा रूल्स जब आएगा तब वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है उसको छोड़ के कोई भी प्रीपोजिशंस का ऐसा फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है। पहले बिहार बोर्ड में इंग्लिश के लिए 2 पेपर हुआ करता था, पेपर 1 जो होता था 100 मार्क्स का, और पेपर 2 जो सप्लीमेंट्री था वो होता था 50 मार्क्स का। लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब सिर्फ 100 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन में प्रीपोजिशंस के लिए 2 या 3 मार्क्स रहता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन प्रीपोजिशन। बट पहले जब सप्लीमेंट्री था, मतलब पेपर 2 था, तब 7 मार्क्स हुआ करता था प्रीपोजिशन के लिए, वहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछा जाता था। बट क्वेश्चन कितना भी पूछा जाए, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। मेन फैक्ट है कि प्रीपोजिशन हमें सीखना है, और प्रीपोजिशन सीखने का एक ही तरीका है, फ्रीक्वेंट रीडिंग एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे प्रीपोजिशन उतना अच्छा सीखोगे। तो यहाँ जो 10 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस 10 क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, और अगर एक बार खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार बना लो, अपना कॉपी में लिख लो आंसर क्या है, और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो। एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी कंप्लीट आइडिया आएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1। लुक डैश दिस पेंटिंग, कि इस पेंटिंग को देखो। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, एट। लुक एट दिस पेंटिंग, लुक के बाद 99% केसेस एट का ही इस्तेमाल होगा, तो ये याद रखना है। नंबर 2, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो कोई भी नदी के किनारे कोई भी चीज़ अगर स्थित है, इसके लिए जनरली ऑन इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। नेक्स्ट नंबर 3, आई बॉट दिस बुक्स डैश एन ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी या नीलाम करना, कि मैं इस किताब को खरीदा था एक नीलामी से, मतलब कोई जगह पे बुक बेचा जा रहा था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे खरीदने के लिए, वहाँ से खरीदा गया इस बुक को। तो यहाँ देखो, हम सब सोचेंगे कि कोई जगह से खरीदा गया, तो से के लिए फ्रॉम इस्तेमाल होता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा जो है 3C@। ओके, आई बॉट दिस बुक्स एट एन ऑक्शन, कि एक नीलामी से मैं इस किताबों को खरीदा था। नेक्स्ट नंबर 4, दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट। यहाँ आंसर है 4D फ्रॉम। इसका मतलब ये मटेरियल उस मटेरियल से अलग है। तो यहाँ देखो, से इस सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ। नंबर 5, ही क्लाइम्ब डैश द लैडर, द आंसर इज एट। ही क्लाइम्ब एट द लैडर, ओके, वो सीढ़ी पर चढ़ा था। अब देखो, यहाँ हम लोग सोचेंगे कि सीढ़ी पर चढ़ना, तो कोई भी चीज़ के ऊपर चढ़ना, इसके लिए हम लोग ऑन इस्तेमाल करते हैं। इसी सेंस में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जो गलत होगा। ओके, क्लाइम्ब एट द लैडर होता है। नेक्स्ट, ही हैज बीन एबसेंट डैश मंडे, आंसर ए सिंस। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, इट मीन्स वो मंडे से अनुपस्थित है। तो मंडे से एक पर्टिकुलर टाइम है, एक फिक्स टाइम है, तो जब कोई फिक्स टाइम में कुछ होता है उसके लिए हम लोग सिंस इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन फ्रॉम तब होता है जब ये फ्यूचर परफेक्ट हो, बट ये देखो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। ओके, तो सिंस और फ्रॉम दोनों का मतलब एक ही है,
सी, हिंदी में दोनों का ही मतलब है सी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंस इस्तेमाल होगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्रॉम इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, शीता फेल डैश द रिक्शा, कि शीता रिक्शा से गिर गई थी। आंसर इज ऑप्शन डी ऑफ को डबल एफ, कि शीता रिक्शा से गिर गई थी। यहां हम लोग ये सोचेंगे कि फ्रॉम होगा क्योंकि रिक्शा से, बट ऐसा नहीं है, फेल ऑफ होगा ओ डबल एफ, कि वो शीता रिक्शा से गिर गई थी। नेक्स्ट, राधा सीट्स डैश रेखा एंड शीता, राधा बैठती है रेखा और शीता के बीच में। तो दो पर्सन जब भी हो, जब भी दो पर्सन के बीच में कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसका आंसर होगा 8D। और अगर मान लो बहुत सारे लोगों के बीच में कुछ हो रहा है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अमोंग, AMONG। नेक्स्ट, आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग डैश द 3:30 ट्रेन, आंसर इज ऑप्शन ए बाय, हम लोगों का ग्रैंड मदर 3:30 बजे का ट्रेन से आ रही है। तो जब भी कोई व्हीकल, उससे हम लोग कहीं जाते हैं आते हैं, इस्तेमाल करते हैं व्हीकल को, तब बाय इस्तेमाल होता है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में। और जैसे कि मैं पैदल जा रहा हूँ तो पैदल जाना इसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है, ऑन फुट, ओके। तो ऑन और बाय ये दोनों को याद रखना है। एंड द लास्ट वन, द फिल्म वॉज फनी डैश द एंड, आंसर इज ऑप्शन ए एट, द फिल्म वॉज फनी एट द एंड, कि जब मूवी अंत की ओर बहुत मज़ेदार था, ओके। एट द एंड ये एक फ्रेज है, इसको बस याद रखना है। यही है 10 questions जो आज मैं डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 questions डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।